नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जस्टिन ट्रूडो यूपी, गुजरात, पंजाब में कई जगहों का दौरा कर चुके हैं। आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। जस्टिन की इस यात्रा का लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना है। गुजरात में पिछले दिनों हुए पंचायत चुनावों के नतीजों का ऐलान आज हो जाएगा। प्रदेश के खेड़ा और बनासकांठा पंचायत में हुए चुनावों के नतीजों पर हर राजनेता की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन सभी जगहों पर मतदान के आधार पर ही आगामी चुनावों की रणनीति तय की जाएगी। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को खंगालने पहुंच गई है। पुलिस का मकसद सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल करना और उस कमरे का निरीक्षण करना है जहां पर यह घटना घटित हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जितनी शिद्दत के साथ इस मामले की जांच की जा रही है, मुझे खुशी है कि जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जज लोया की हत्या के मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से पूछताछ करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में लॉन्च इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम के तहत पहली बार चुनावी बॉन्ड बेचने की तारीख तय कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक किसी राजनीतिक दल को चंदा देने के लिए अब आम आदमी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को 1 मार्च 2018 से 10 मार्च 2018 तक खरीद सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जैनावंत सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जैनावंत सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।